इन दिनों छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में बन रही हैं, जिसे दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नीति आने के बाद छत्तीसगढ़ी फिल्मकार नया रिस्क ले रहे हैं। अब फिल्मकार छत्तीसगढ़ की रेगुलर फिल्मों के अलावा कुछ छटके फिल्म भी बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और निर्देशक देवेंद्र जांगड़े इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी अपकमिंग छत्तीसगढ़ी फिल्म की चर्चा प्रदेश के अलावा पूरे देश भर में हो रही है। वे पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी राजनेता के जीवन को पर्दे पर उतारने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा की मच अवेटेड फिल्म द जोगी के बारे में, जिसे देवेंद्र जांगड़े निर्देशित कर रहे हैं, फिल्म का निर्माण अरविंद कुर्रे कर रहे हैं, वहीं फिल्म का संगीत हेमराज चतुर्वेदी ने दिया है। फिल्म में हमें 90 के दशक के मशहूर सिंगर कुमार सानू का भी एक गाना देखने को मिलेगा। स्टार कास्ट के बारे में कुछ ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में जूनियर जुके का किरदार सहदेव दिर्दो और उनकी माँ का किरदार उर्वशी साहू निभाएगी। फिल्म को काफ़ी ग्रैंड तरीके से बनाया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी बायोपिक फिल्म होने वाली है। इससे पहले करण खान ने मंदराजी नाम की फिल्म बनाई थी, जिसे दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। यह फिल्म पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जीवन पर आधारित होगी। फिल्म में उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का रोल दिखाया जाएगा कि कैसे अजीत जोगी आदिवासी बहुल एरिया से आने के बावजूद अपने गांव से निकलता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त करता है, आईएएस की तैयारी करता है, आईपीएस बनता है, कलेक्टर बनता है और धीरे धीरे अपने संघर्ष और अपनी मेहनत के दम पे छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनता है। फिल्म में अजीत जोगी के जीवन के हर एक पहलू को काफ़ी बारीकी से दिखाया जाएगा। छत्तीसगढ़ी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री उर्वशी साहू फिल्म में अजीत जोगी के माता का किरदार निभा रही है। फिल्म में अजीत जोगी का किरदार कौन निभाएगा, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो कोई बड़ा एक्टर फिल्म में अजीत जोगी के युवापन का किरदार निभाते हुए नजर आएगा। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और कई जगह इस फिल्म की शूटिंग जारी है। फिल्म के निर्देशक देवेंद्र जांगड़े ने फिल्म की शूटिंग की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर कर इसकी जानकारी दी है कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह फिल्म कब तक अपने शूटिंग कंप्लीट करती है और कब इस फिल्म का पहला गाना, पहला पोस्टर और पहला ट्रेलर रिलीज होता है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी सिनेमा को समर्पित यह फिल्म कैसी होगी, यह तो कहना कठिन होगा, लेकिन यदि इस फिल्म को शिद्दत और मेहनत के साथ बनाया गया तो यह छत्तीसगढ़ी सिनेमा की माइलस्टोन मूवी साबित हो सकती है। यह फिल्म छत्तीसगढ़ी सिनेमा की किस्मत बदल सकती है। खैर, अभी कुछ कहना गलत होगा।